देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आई है। बीते 24 घंटे में भारत में कोविड 19 के 1,957 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के कुल मामले 4,46,16,394 हो गए हैं, जबकि उपचारधीन मरीजों की संख्या घटकर 27,374 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 8 और मरीजों के जान गंवाने से मृतक संख्या बढ़कर 5,28,822 हो गई है। इसमें केरल द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की सूची में शामिल किए गए 3 मामले भी शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.06% है, जबकि कोविड 19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.75% हो गई है। गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर 2020 को 50 लाख, 28 सितंबर 2020 को 60 लाख, 11 अक्टूबर 2020 को 70 लाख, 29 अक्टूबर 2020 को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर 2020 को ये मामले 1 करोड़ से अधिक हो गए थे। पिछले साल 4 मई को संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ और 23 जून 2021 को 3 करोड़ के पार पहुंच गई थी। इस साल 25 जनवरी को संक्रमण के मामले 4 करोड़ के पार हो गए थे। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।